नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मुनीश शर्मा आनंदपुर साहब पंजाब से। आज हम बात करेंगे बहुत दिव्य चक्र, गले के चक्र, विशुद्धि चक्र, थ्रॉट चक्र की, जो कि गले में विद्यमान होता है। यह चक्र जहाँ पे हमारे ये गड्ढा है, इसके बिल्कुल बैक साइड पे रीढ़ के ऊपर होता है। इसका रंग आकाशीय होता है। इसका जो तत्व है वो आकाश है और यह मन का कारक होता है। मन इसी से जुड़ा हुआ होता है। इसमें दैविक शक्तियाँ, वो शक्तियाँ जिनके बारे में हम सिर्फ सोच सकते हैं, वो सभी शक्तियाँ इस चक्र को जागृत करके प्राप्त की जा सकती हैं। इस चक्र को जागृत करके इससे संबंधित शारीरिक मानसिक रोगों में भी स्वास्थ्य पाया जा सकता है और इस चक्र को जागृत करके उन दिव्य शक्तियों को भी प्राप्त किया जा सकता है। तो इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले एक बात आपसे कहनी चाहता हूँ कि मैं अपना नंबर यहाँ पे नहीं देता। वो इस कारण से क्योंकि मेरा जीवन का अपना लक्ष्य है। मैं कोई कारोबारी नहीं हूँ कि हर एक को नंबर इसलिए मैं नहीं दे पाता हूँ कि मुझे सिर्फ कारोबार करना है। मेरे जीवन का अपना लक्ष्य है और अगर मैं नंबर देता हूँ तो इतने लोगों की जिनमें से 20-30% तो ठीक होते हैं, 70% लोग इस तरह की फ़ोन करने लग जाते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता, ना उनका कोई सोल्यूशन होता है ना कुछ, और वो सिर्फ अपना दुख सुनाने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति ढूंढते हैं और फिर शुरू हो जाते हैं तो 25-25 मिनट तक वो कॉल बंद नहीं करते, एक एक मिनट करके इतना समय खराब कर देते हैं। तो मैं अपना नंबर इस प्रकार से नहीं देता। आपकी जो भी समस्या होती है, अगर किसी को कोर्स करना होता है, किसी ने हीलिंग करवानी है, किसी को अध्यात्म में कोई समस्या आ रही है, किसी को कोई समझ नहीं आ रहा, तो आप वहाँ पे कमेंट करें। मैं आपको आपकी ज़रूरत के हिसाब से, अगर ज़रूरत होगी तो नंबर वहाँ पे मैं दे देता हूँ। और यहाँ पे कुछ मुझे बताया गया है, पता चला है कि कुछ लोग बाहर से आके, जो कि इधर उधर से आके अपना नंबर दे रहे हैं और लोगों को मिसगाइड करके उनका नंबर दे के उनसे पैसे ले रहे हैं। कोई कह रहा है मुझे इतने पैसे दे दो, मैं ये करूँगा वो करूँगा, तो ये सब आप ध्यान रखें। और लोगों के साथ में ऐसा हो रहा है कि लोग नंबर वहाँ पे दे के लोगों से पैसे लेके गोल हो रहे हैं और लोग बाद में ढूंढ रहे हैं कि हमें उसने रेकी कोर्स करने के लिए बताया था, हमें हीलिंग करने के लिए, तो पैसे लेकर के लोग इस तरह से काम कर रहे हैं वहाँ पे। जब भी मैं किसी को नंबर देता हूँ तो मेरे नंबर के पीछे 06852, दोबारा बता देता हूँ, 0 लास्ट के जो 5 अक्षर होंगे वो 06852 ये नंबर होगा जब भी मैं नंबर किसी को देता हूँ। अब बात करते हैं इस चक्र की। तो इस चक्र के जागृत होने पे या इस चक्र के ना जागृत होने पे कौन कौन सी समस्याएं आती हैं? पहले तो शारीरिक रूप से अगर गिने तो शारीरिक रूप से गले से संबंधित जितनी भी समस्याएं होती हैं, या कंधों से लेके कानों तक की सारा इसी चक्र का एरिया है। इसके चारों तरफ ऊपर नीचे जो भी समस्याएं होती हैं कानों तक और कंधों तक, वो विशुद्धि चक्र से जुड़ी हुई होती हैं। अगर यहाँ पे कहीं भी कोई समस्या किसी को आती है, कोई दर्द को कुछ, तो इसी चक्र को ठीक करने की ज़रूरत होती है। अब इसका जो मानसिक होता है प्रभाव, वो बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि यह मन का कारक है और शरीर में हमारा इतना हमारा जोर शरीर का नहीं चलता जितना मन का चलता है। शरीर का आप ये कह लें 1% या 2% होगा, बाकी सारा हमारा मन का रोल होता है। अगर मन कुछ खाने को कहता है तो हम भागे जाते हैं, मन कुछ सुनने को कहता है तो हम उधर भागे जाते हैं, हम भजन कीर्तन मेडिटेशन के लिए बैठते हैं और मन अपने विचार गुनगुना रहा होता है, हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाते। तो इसी चक्कर के ऊपर मन निर्भर करता है। इसको क्विक तुरंत कैसे बैलेंस किया जा सकता है, तुरंत मन को कैसे शांत किया जा सकता है, तुरंत एकदम से आप पहले से कई गुना कैसे ज़्यादा शांत हो सकते हैं, तो वो चीज़ आपको मैं वो भी बताऊंगा और चक्र के जागरण की अलग अलग तरीके इसको बैलेंस करने के लिए वो बता रहा हूँ। अब इसके जो मानसिक लक्षण होंगे, वो सबसे पहले कोई बोलता है तो रुकता है, तुतलाता है, थथलाता है बोलने में, बोल नहीं पाता पूरा शब्द, तो एक तो पहले ये समस्या होती है। दूसरा, व्यक्ति के जो दिल में है, जो वो कहना चाहता है, वो कभी वो कह नहीं पाता सामने वाले से। सोचता है वहां पे जाके उसको ऐसा बोलूंगा, लेकिन बोल कुछ और जाता है वहां पे जाके।
ये भी इसी के कारण। और व्यक्ति में कॉन्फिडेंस की कमी, मैं ये काम कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, कैसे होगा नहीं होगा, तो वो भी इसी चक्कर के, अगर इस चक्कर पे होगा तो कॉन्फिडेंस भी लो होगा, क्योंकि मन का कार्य क्या है। और मन से संबंधित जितनी चीज़ें होती हैं, मन अशांत रहता है, और भी जैसी जैसी समस्याएं बहुत सारी इसी चक्कर से जुड़ी हुई होती हैं। अब इस चक्कर को बैलेंस कैसे करना है, और इस चक्कर से अगर दिव्य शक्तियां प्राप्त करनी है तो वो कौन कौन सी होती हैं। देखिए, जितनी भी आप सोच सकते हैं मानसिक रूप से, जितनी भी आपने आज तक कहानी पुराणों ग्रंथों में पढ़ी हैं शक्तियां की, ये सिद्धियां होती हैं, वो सब इसी चक्कर से जुड़ी हुई होती हैं। जैसे हवा में कोई उड़ के जा रहा है, वो इसी चक्कर की सिद्धि है। अब इसकी सबसे पहली सिद्धि आती है जब आपके कोई सामने बैठा है, जैसे जैसे ये चक्कर खिलने लगेगा उसके मन में क्या चल रहा है, उसके विचार आप आराम से पढ़ पाते हैं। दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, वो बात अलग है, आप उसे दबा दें या बोल दें, वो आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर होता है। ऐसे भी बहुत सारे व्यक्ति हैं जो जिनके पास ये नॉर्मल सिद्धि होती है, वो दूसरे के दिमाग में क्या चल रहा है उसे आराम से देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो यह चक्र इसी से संबंधित होता है। जब यह चक्र पूरी तरह से जागृत हो जाता है तो हमारे ऑरे का रंग वैसे नॉर्मली अलग अलग होता है। यह व्यक्ति की जो उसका जैसा मन होगा, जैसी उसकी ऊर्जा होगी, वैसा ही उसका ऑरा भी होता है। किसी का ऑरा हरा होगा, किसी का नीला, किसी का पीला। तो अगर ग्रे या काला होता है तो मतलब वो बीमार है, नेगेटिव है, नकारात्मक है, वो बड़ी गड़बड़ वाले होते हैं। बाकी सबके ऑरे थोड़े अलग अलग रंग में होते हैं। लेकिन जब यह चक्र जागता है, जब भी यह चक्र जागृत होगा तो हमारा पूरा ऑरा नीला हो जाएगा, अर्थात वो व्यक्ति दिव्य शक्तियों का, उन रहस्यमयी शक्तियों का जिनके बारे में हमने सुना या जाना होता है, उन शक्तियों का मालिक हो गया है। यह इस चीज को प्रदर्शित करता है। इसका बीज मंत्र, इसको बैलेंस करने के लिए छोटा सा काम आप कर सकते हैं। रोज आप बैठ जाएं और इस प्रकार से HUM जो हम बोलते हैं, हम, यही हम, इसी हम को आपने लंबी आवाज में एक श्वास में एक बोलेंगे तो और भी अच्छा रहता है। इस मंत्र का आप 5 मिनट 10 मिनट अगर जाप करते हैं तो बहुत आराम से आपको थोड़े ही दिनों में, हफ्ते 10 15 20 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 21 दिन में आपको पता लगने लग जाएगा डिफरेंस कि आप पहले क्या थे, और वो चीज़ें अब सभी, या गले की समस्याएं जैसी भी थी वो पहले से बदलने लगी हैं। आपके भीतर एक ऊर्जा, उत्साह, एनर्जी आने लगी है, आपका मन पहले से शांत होने लग गया। दूसरा इसको शांत करने के लिए तरीका आपको बताता हूँ। आप आंखें बंद करेंगे और महसूस करेंगे, क्योंकि यह जुड़ा हुआ है आकाश तत्व से, आकाश तत्व से, इसलिए आकाश का तत्व आसमानी होता है रंग। या तो आप आसमानी रंग फील करें, उससे भी अच्छा होगा अगर गहरा नीला रंग आप महसूस करें, नीले रंग की किरणें आ रही हैं और यहाँ पे इकट्ठी हो रही हैं। पूरा गला आप 5 मिनट 10 मिनट जितना चाहे मेडिटेशन करें, एकदम आप 2 मिनट में अपने आप चेंज पाएंगे। अगर आपका मन अशांत है, गड़बड़ी में है, आप भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, मन नहीं टिक रहा है, उसको एकदम से बैलेंस करने के लिए पहले से आप पाएंगे एकदम सुन्न हो गया, सब कुछ शांत हो गया। पहले विचार पे विचार, विचार पे विचार चल रहा था, लेकिन 5 10 मिनट आपने मेडिटेशन किया, किसी को तो 2 मिनट करने पे ही एकदम मन शांत हो गया, टिक गया, जैसे एक गहरी शांति का सन्नाटा आपके भीतर छा जाएगा। आप आंखें बंद करें और महसूस करें, ऊपर से नीले रंग की किरण आ रही है, नीले रंग की किरणें आके गले में इकट्ठी हो रही हैं, पूरा गला नीला 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 होता जा रहा है, नीला होता जा रहा है। यहाँ पे कुछ भी जो काली रंग की एनर्जी थी वो एकदम से वहां पे खत्म हो रही है, श्रिंक, जल गई। जैसे जैसे नीला रंग आ रहा है वो जलती जा रही है और वो खत्म हो गई, यहाँ पे नीला रंग भरता जा रहा है। और गले के चक्कर पे यहाँ पे क्लॉकवाइज चक्कर घूम रहा है, जो कि आप वहां से इंटरनेट की इसकी फोटो प्राप्त कर सकते हैं। वो चक्कर घूम रहा है, जैसे जैसे वो वाइब्रेट कर रहा है पूरा गला नीले रंग से भरता जा रहा है। उसका रंग यहाँ तक हमारे नासिका तक पहुंच गया और नीचे कंधों तक उसका नीला रंग फैलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आप 2 4 मिनट करेंगे, 2 4 मिनट में आप डिफरेंस महसूस कर लेंगे। अगर आप पहले ही शांत हैं तो बात अलग है, तब भी वो शांति गहरी हो जाती है। अब इस चक्र की कौन कौन सी और शक्तियां होती हैं, इस चक्र को जागृत करने पे जितनी भी आप शक्तियां सोच सकते हैं, आपने देखा होगा भगवान की जितने भी, जैसे भगवान कृष्ण हो गए, भगवान विष्णु हो गए, महादेव भोलेनाथ हो गए, बाबा बालकनाथ और जितने भी ऐसे सिद्ध होते हैं, उनकी जो मूर्तियां हैं अधिकतर वो बनाने वालों ने नीले रंग में बनाई हैं। वो नीले रंग में इसीलिए बनाई हैं
वो प्रदर्शित करती हैं कि इनका गले का चक्र पूरी तरह जागृत है, ये अपनी पूर्ण शक्तियों के स्वामी हो चुके हैं। 1-2-4% नहीं, 100% इन्होंने अपनी शक्तियां जागृत कर ली हैं जो गले में विद्यमान थी। जिनको कलाएं कहा जाता है वो 16 कलाएं इसी चक्र में विद्यमान होती हैं। इस चक्र को पूरी तरह जागृत कर लिया है, आत्मसात कर लिया है, और उन सभी शक्तियों को कहीं से गायब होकर कहीं भी प्रकट हो जाना, कहीं भी पहुंच जाना सूक्ष्म रूप से या स्थूल रूप से, कहीं भी उड़ के चले जाना, पानी में चल लेना, आग में ना जलना, जितनी भी सिद्धियां हो सकती हैं वो सब इसी चक्कर से जुड़ी हुई होती हैं। लेकिन कंटिन्यूज मेडिटेशन करना पड़ता है, कंटिन्यूज मेडिटेशन करने। और दूसरी बात ये है कि सबसे मुश्किल, अगर कुंडलनी के बाद, मूलाधार चक्र के बाद कोई चक्र मुश्किल है खोलना, तो यही चक्र होता है। इसी चक्र को सबसे अधिक आप गांठों वाला कह सकते हैं। इस चक्र के ऊपर सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके ये चक्र खुल पाता है। नॉर्मली एक्टिवेट हो जाएगा, आप अपने आप में आनंदित, खुश और ऊर्जावान महसूस करोगे। इसके अलावा नीले रंग के कपड़े पहनना, नीले रंग की ज्वेलरी पहनना, नीले रंग की कोई पेंटिंग रख लेना दीवार पे, आप नीला रंग कलर कर सकते हो, नीले रंग की कोई चीज़ रख लो, उसको देखोगे तब भी आपको ये सब इस चक्कर को जागृत, एक्टिवेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए मदद करती हैं। बाकी आप मेडिटेशन करेंगे, सर्वोत्तम है रेकी, जो क्विक रिस्पॉन्ड करती है, क्विक एनर्जी देती है और क्विक एकदम व्यक्ति को हल्का फुल्का कर देती है, वो रेकी ही है। बाकी ये छोटी छोटी आपको दूसरी ट्रिक्स बताई हैं जिनके द्वारा आप इस चक्र को जागृत और बैलेंस कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।